जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मार्क्यू टैग के बारे में। इसके बारे में मार्क्यू टैग के बारे में कैसे हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं ये देखेंगे। मार्क्यू टैग होता क्या है इसके बारे में। तो मार्क्यू टैग बहुत आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाली चीजें नहीं है, आराम से उसका यूज कर सकते हैं। मार्क्यू टैग होता क्या है, मैंने एक लाइन लिख पाई थी, एक लाइन नहीं लिखी होगा तो आज लिख लीजिएगा, नहीं है फाइल में नहीं होगा, पेज में नहीं आया, एक लाइन लिख लीजिएगा कि मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है इमेज या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। एक लाइन लिख लीजिएगा कि मार्क्यू टैग, मार्क्यू की स्पेलिंग क्या हो गई, MARQUE। मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है पिक्चर या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, टेक्स्ट या चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा मार्क्यू टैग, हेडिंग बना लीजिए मार्क्यू टैग, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग मार्क्यू टैग। आप देखिए मार्केट टैग सुनिए ध्यान से बात मत करिए। यहाँ चार डायरेक्शन का जिक्र किया गया है, लेफ्ट राइट और अप डाउन का, ठीक है। सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया था, हेडिंग में भी आपको पता है ना अगर तरीका लगाना हो, तो मान लो हेडिंग को बीच में रखना हो, कलर चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, हेडिंग के बीच में भीतर ही पहले वैसे नॉर्मल कर दे रहे हैं, पहले कंट्रोल यस कर दिया, देखिए उसको मैंने गोलाई पे क्लिक कर दिया, देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, मार्केट की हेडिंग आ गई हमारी। और मार्केट का यूज कैसे करते हैं ये देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में, मार्केट का यूज करेंगे कैसे, ठीक है। तो कल मैंने स्टार्ट किया था, उसमें थोड़ा सा इरर ये रहा था, मार्क्यू टैग के भीतर जो बिहेवियर की स्पेलिंग हम लिख रहे थे वही गड़बड़ हो जा रही थी, बाकी सारी चीज कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी सब सही थी। तो जैसे मैं पहले दिखा दे रहा हूँ आपको, तो डायरेक्शन की बात की, पहले डायरेक्शन के बारे में बता दो, कितने डायरेक्शन होते हैं लिख लीजिएगा, चार डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, चार डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। मार्क्यू टैग में चार डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन, ठीक है। अब मैं यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, इंटर किया यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्क्यू टैग MARQUE, टैग ओपन करके टैग क्लोज कर लीजिएगा, ओपन करके क्लोज कर लीजिएगा और इसी के भीतर लगाइएगा टैग ओपन करके क्या IMG SRC और इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे IMG क्या SRC इक्वल टू क्या लोकेशन कहाँ है आपका IMG और ए लैपटॉप है और मैंने इसको क्या कर दिया कंट्रोल एस कर दिया सेव और देखा दिया रख रख इमेज आ गया और बाय डिफॉल्ट मूव करता है इसी साइड में ठीक है। क्या हुआ ठीक है मूव कर रहा है ना
मूव लोकेशन मूव कर रहा है। फिगर की साइज को थोड़ा कम अधिक भी कर सकते हैं, तरीका मैं बताया था, इसकी विड्थ को क्या कर सकते हैं हम, घटा बढ़ा भी सकते हैं। यार तरीका बताया था ना, इमेज चेंज करिए, नहीं हो तो इमेज जीआईडी का भी शायद आपके हो, चेक कर लेते हैं। आई एम जी जीआईडी का नहीं है, वन नाम होगा, कंट्रोल ये से सेव कर दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा होगा, ये वाला बैकग्राउंड वाला ये नहीं चाहूँगा। चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप वाला ही ले चलते हैं। कंट्रोल से शिफ्ट किया, देख सकते हैं ये फिगर हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट कितने होते हैं, मैंने बोला चार होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन चार होते हैं यहाँ पे, यानी कि ये डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्शन के बाद जैसे ही आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू अपने आप लग जाएगा। मैंने कहा ये अप, अब देखिएगा अब अप साइड में होगा, अब इधर लेफ्ट साइड में आ रहा था ना, अब देखिएगा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं तो पहले वो नॉर्मल लिख, डायरेक्शन वाला नंबर लिखिए, पहले नॉर्मल लिख लीजिए, पहले वो वाला नॉर्मल लिख लीजिए, तो मार्क्यू का यू तब डायरेक्शन वाला लिखिएगा, पहले नॉर्मल वाला लिख लीजिए, मार्क्यू टाइप का कैसे यूज किया जाए, पूरा नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है लास्ट में, ये सेम लिख लीजिए। हो गया, हाँ अब देखिए, अब लिखिए डायरेक्शन वाला, तो मार्क्यू टैग के भीतर ही, देखिए यहाँ पे ध्यान, मार्क्यू टैग के भीतर क्या लगाएंगे, डायरेक्शन लगाएंगे, डायरेक्शन और इक्वल टू क्या लगा देंगे, अप या राइट लगा दे, राइट पहले राइट लगा दे रहे हैं, लेफ्ट चल ही रहा था, राइट लगा दिए, कंट्रोल से सेव कर दिए, और देख लीजिए आप अब राइट साइड मूव कर रहे, डायरेक्शन वाला लिख लीजिए आप, यही एक बार डायरेक्शन लिख लीजिए, इसी में लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी लिखना होगा लिख लीजिए,
क्या हुआ, हो गया। अब राइट लेफ्ट जो भी था इंटरक्शन उन्होंने कर दिया, लेफ्ट करेंगे तो यहाँ यही मिल रहा है। राइट लेफ्ट तो पहले से बाई डिफॉल्ट रहता ही है, अब लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से मूव करेगा। तो ये सेव कर दिए, ठीक है। अप डाउन करके दिखाई दीजिए आपको, कोई दिक्कत है क्या? स्पीड है सर, वो भी बता देंगे, अभी फिलहाल भी स्टार्टिंग है ना, ये कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें बिहेवियर की भी बात होती है। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब ये होता है कि तीन चीजें यहाँ बिहेवियर का जिक्र किया गया। लिखिएगा, बिहेवियर तीन टाइप का जिक्र किया गया है, स्क्रॉल, स्लाइड स्क्रॉल स्लाइड स्क्रॉल स्लाइड और अल्टरनेट। स्पेलिंग भी बहुत मैटर करती है, याद रखिएगा। हो गया, स्क्रॉल स्लाइड और अल्टरनेट, तीन बोले, हो गया। अब कैसे यूज करेंगे? तो बिल्कुल यही स्टेप होगा इसमें भी। क्या करना है यहाँ पे, और देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, स्लाइड। जैसे कि लेफ्ट बाय डिफॉल्ट चलता है ना, कि लेफ्ट ही में चलता है, तो वैसे ही आपका ये भी बाय डिफॉल्ट चलता है क्या, स्क्रॉल वाला। तो वैसे ही हमने क्या कर दिया, बिहेवियर लिख दिया और हमने क्या लिख दिया, स्लाइड लिख दिया। लिखिए तो आप, तो बिहेवियर स्लाइड, तो पहले देख लीजिए, तीनों देख लीजिए। स्लाइड किया है, देखिए स्लाइड कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया और रन कराइए, ये देखिए। स्क्रॉल में क्या हो रहा था, पूरा बढ़ जाता था लास्ट तक, स्लाइड में क्या होगा, ये रुक जाएगा, बस ये रुक जाएगा। और क्या होगा, और अगला देखिए ध्यान से, और अगला हमने स्लाइड की जगह क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया अल्टरनेट। क्या लगा दिया, अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा कि वही चीज रिपीट करेगा, टकराएगा वापस आएगा, टकराएगा वापस आएगा, देख लीजिए। हाँ भाई, क्या हो रहा है, देख रहे हैं, टकरा रहा है वापस आ रहा है, ये भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, लीजिए। अब देख सकते हैं स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट का यूज कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, इसी के भीतर जैसे बिहेवियर लगाया है वैसे क्या लिख देंगे, स्क्रॉल अमाउंट लिख लीजिएगा। स्पीड देखिए अमाउंट नहीं लिखेंगे, अमाउंट और इक्वल टू, और लिख देंगे यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा स्पीड 50 के करीब रख देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिए। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं ना, और तेज करना है तो कितना कर देंगे, 150 कंट्रोल, यह सब देखना स्पीड हो थोड़ा, देखो इतना तेज को तो कोई पढ़िए ना होगा क्या लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो लिख लीजिए आप लोग, स्किल स्किल को भी मेंटेन कर सकते हैं, स्किल अमाउंट। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, जरूर लिख लीजिएगा कि जो स्पीड अमाउंट है उसका यूज मार्क्यू टैब के भीतर करें। अच्छा ठीक है, अभी तक जो हेडिंग आ रही थी स्पीड थोड़ी कम कर दी जाए ना, 10 के करीब में कर दें, या 5 कर दें, या 1 ही कर दें, कंट्रोल ये।
होने वाली क्या बात। अच्छा आपकी हेडिंग यहाँ आ रही है ना, आप चाहें हेडिंग अगर बीच में लाना हो तो क्या करेंगे? हेडिंग को मान लो यहाँ हेडिंग आ रही है, हेडिंग हमारे बीच में लाना है तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे हेडिंग अगर हमें बीच में लानी है तो बताइए भाई, क्या कर लेंगे उसी में? हाँ इसी में कलर चेंज करना हो चाहे हेडिंग बीच में लाना हो, टेक्स्ट अलाइन लगा देंगे सेंटर में कर देंगे यहीं पे, लेकिन इसके भीतर ही करेंगे H1 के भीतर। ये मान पहले स्टाइल लगा दिया जाए, स्टाइल स्टाइल टैग का यूज करके हमने क्या कर दिया, इंटर करके यहाँ लिख दिया कलर, कलर पहले चेंज कर दिया, कौन सा कलर कर दिया जाए? कलर ग्रीन कर दे रहा है, ग्रीन ग्रीन आठ और ग्रीन कर दिए ग्रीन। ठीक है और क्या चेंज कर दिया? और क्या चेंज कर पैनल दिया? चेंज करना है, पैनल चेंज सेंटर करना बनाना है, है, और हमने क्या लिख करना दिया? है, अलाइन लिख लिख दिया, लेंगे अलाइन अलाइन लिख लेंगे, टेक्स्ट अलाइन। क्या लिखेंगे? चलाइन करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट डैश टेक्स्ट करके लिखेंगे, करके डैश लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन का अलाइन इक्वल का कौन इक्वल कौन सा? सा सेंटर इक्वल टू लगाने के लिए सेंटर हमने यहाँ इक्वल टू पे लगाने के लिए डैश यहाँ का पे वो लगा दिया, डायरेक्टली कॉलम लगा पावर को के लिख लगा दीजिए दीजिए, क्या? पावर लगा के लिख दीजिए क्या सेंटर 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 हाँ, एलाइन पूरी हाँ लिखे नहीं ना, इसीलिए तो लिखे नहीं ना, ये दिक्कत हो गई, पूरा दिक्कत होगी, मिटाइए और पूरा ध्यान से देखिएगा इसका मिटाइए, थोड़ा ध्यान सा होता देखिएगा रहता इसका है, थोड़ा सा होता ए एल रहता है, आई ये जी एल एल आई जी लाइन एल और काला लगा, लाइन क्या और काला लगा कर लिख देंगे? टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट एलाइन हो गया ना, अलाइन हो गया ना, सेंटर, सेंटर यहाँ क्या लगाए क्या हम लोग क्या लगाए हम ग्रीन के लोग, पास? ग्रीन के ये गलती पास की है, यहीं से ये गलती की है, यहीं से इक्वल इक्वल टू लगाना ही नहीं था, टू लगाना ही नहीं था, स्टाइल स्टाइल और इक्वल और टू, इक्वल टू इक्वल टू के बाद क्या लगाना था? कलर कलर LOR, कलर 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 क्या लगाना था? ग्रीन, कलर लगाना था, ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन और और कलर ग्रीन हो गया ना, और ग्रीन हो इसी गया के ना, भीतर ये भी और काम हो रहा, इसी के चेक लाइन भीतर यहाँ ये नहीं काम, करना, चेक लाइन यहाँ नहीं और करना, इसी के भीतर, और इसी के भीतर, इसी के भीतर जहाँ ओपन किया इसी के स्टाइल भीतर के जहाँ भीतर ही ओपन किया स्टाइल के यहाँ भीतर ही लगा दीजिए सेमी क्या कॉलम, लगा दीजिए, सेमी और यहीं कॉलम, पे देखें क्या और यहीं पे देखें टेक्स्ट क्या क्या टेक्स्ट क्या डैश डैश अलाइन, अलाइन टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन क्या, अलाइन क्या टेक्स्ट अलाइन में क्या करना है टेक्स्ट लाइन में क्या तो करना है, लगा तो दीजिए लगा सेंटर दीजिए सेंटर का, कंट्रोल या सेव कंट्रोल करिए और या सेव देखिए करिए और देखिए इसमें आ गया स्टाइल के आ भीतर गया, ही सारा लगा दिया है। स्टाइल ठीक के भीतर लगा दिया है, है स्टाइल स्टाइल के भीतर, हेडिंग के के भीतर, भीतर स्टाइल स्टाइल के स्टाइल भीतर ही क्या कर देना है? के सब भीतर लगा ही क्या दिया, कर दिया, सब लगा कलर दिया, चेंज कर दिया है, कलर चेंज अलाइनमेंट कर चेंज दिया कर है, दिया है, सारी अलाइनमेंट चेंज कर दिया, चीजों को। सारी चीजें हाँ हाँ, और और लिखना है लिखिए, लिखना है हाँ रुक गया यार, ठीक क्या किए हैं H1 के भीतर स्टाइल लगा किए दिए हैं, और क्या कर क्या कर दिए? लगा दिया दिए सेंटर बता पे, दिए सेंटर पे, कलर कलर चेंज, अगर कलर नहीं चेंज चेंज करना था अगर ना, नहीं कलर नहीं कलर चेंज वाला करना लगाने था की ना, जरूरत ही नहीं नहीं। कलर ठीक वाला लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है है ग्रेनेड ग्रेनेड लग गया ना, मैंने स्मॉल लग गया अमाउंट और ये डाला मैं है, इसका अमाउंट अब डाल क्या रहा किया हूँ, जाए? इसको अब इसको क्या किया मैंने जाए, कर लिया, इसको क्या इसको मैंने कर लिया, क्या कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी, और इंटर कर दिया, और और इंटर यहाँ कर कर दिया दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया पेस्ट, और इमेज भी हटा और दे रहा है, इमेज भी हटा दे रहा है, इमेज की जगह क्या लिख दे रहा है? इमेज की जगह इमेज क्या लिख हटा दे दे रहा रहा है, है, इमेज हटा दे रहा है, क्या लगा दिया? लगा दिया ई ई टैग ओपन, ई टैग टैग ओपन, क्लोज, क्या ई टैग लिख दिया? क्लोज, क्या लिख दिया, गायत्री, गायत्री, इंस्टीट्यूट, और और यहाँ अल्टरनेट नहीं, यहाँ अल्टरनेट यहाँ नहीं, लिख दिया अल्टरनेट यहाँ लिख दिया अल्टरनेट नहीं, यहाँ लिख दिया नहीं, यहाँ लिख दिया स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल नहीं स्लाइड, स्क्रॉल स्लाइड,
स्लाइड स्लाइड ठीक ठीक है, और यहाँ लिख है, दिया और यहाँ लिख दिया क्या क्या, स्क्रॉल, स्क्रॉल, जैसी आर जैसे टूटोरियल, कि आर उडोलियल, यहाँ और यहाँ इमेज या और आरसी यहाँ हटा के इमेज यहाँ भी क्या आरसी कर हटा दिया, के यहाँ भी क्या कर दिया, यहाँ यहाँ लिख दिया क्या, लिख दिया क्या, पी टेक के भीतर क्या पी टेक के लिख भीतर, दिया, क्या लिख दिया, पी टेक के भीतर क्या लिख दिया, पी टेक के भीतर क्या लिख दिया, नियर रेलवे स्टेशन, नियर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कंट्रोल स्टेशन, कंट्रोल कर दिया, पहले देख ले रहा इस कैसा आ पर रहा है, देख ले, दोनों देख ले रहा कैसा आ रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक रुकना चाहिए एक चला जाना रुकना चाहिए, ठीक चाहिए, एक चला जाना चाहिए, है, सही ठीक चल रहा है ना, है, और ठीक है इसको ना, तुम, और इसको हाँ हाँ गाते कहाँ हैं इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, नहीं लास्ट में क्या कर रहे नहीं हैं, एसयू लास्ट में कॉपी क्या कर करके, रहे हैं, ऐसे काफी करके, और यहाँ क्या कर दिया, इंटर कर क्या दिया, कर पेस्ट दिया, इंटर कर दिया, पेस्ट कर दिया, कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया मैंने, और यहाँ क्या कर दिया मैंने, क्या स्क्रॉल की जगह क्या लिख दिया, लिख दिया, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट कर दिया, अल्टरनेट कर दिया, और और क्या क्या कर दिया, कर दिया, और और यहाँ लिख दिया सीआईटी यहाँ लिख दिया क्या रोजगार, किया, तो हाँ क्यों डी ड्राइव भी सब फॉर्मेट बोले, डी ड्राइव का सब फॉर्मेट कर दो, कर वो सीट थी सब डी ड्राइव पर, हम वो बोल रहे बारे रिपोर्ट तो कैसे बोल रहा है कुछ, जय बाबू, हां नहीं पेज पर भी फिर आ जाए, हां नहीं चलिए जेडी कौन है है तो रोजगार रोजगार है, है, रोजगार कंट्रोल ऐसे सेव है, कर दिया, कंट्रोल ऐसे और सेम इसको कर मैंने दिया, अल्टरनेट कर और दिया, इसको मैंने ठीक है, अल्टरनेट कर तीनों दिया, हो गए, ठीक है, और क्या कर तीनों देंगे है, हम, और क्या कर देंगे आप, इसको डन करा दिया, इसको डन करा दिया, क्या हुआ नहीं क्या, क्या हुआ नहीं क्या, कुछ रह गया क्या, क्या हाँ, अच्छा अच्छा, कल अच्छा हुआ गया ना, अल्टर गया नेट ना चाहिए ना, ना, अल्टर अब इसमें चाहे तो आप इसकी इसमें चाहे स्पीड तो आप वगैरह इसकी स्पीड इंक्रीज वगैरह डिक्रीज भी कर सकते इंक्रीज हैं, ठीक डिग्री भी कर सकते है, हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी ठीक कर है, सकते इंक्रीज हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, क्या आप यहीं क्या वापस आप आइए, यहीं वापस और क्या आइए, करिए यहाँ पे, और क्या करिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लगाइए, लगाइए, स्क्रॉल स्क्रॉल, अमाउंट लगा लीजिए, अमाउंट लगा लीजिए, अब किसी की भी, अब किसी की अब भी, इसमें क्या करें, अब हाँ इसमें क्या इस करें, पे दे दिए, इसमें अच्छा इस पे दे दिए, अच्छा चलो पढ़ने तो लगे रहे हो अब, पढ़ने लगे रहे स्क्रॉल हो अमाउंट इक्वल टू, और क्या कर देंगे, फीस कर दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया, यहाँ भी आए, स्क्रॉल अमाउंट और इक्वल टू कितना कर दिया, 60 कर दिया, और यहाँ पे आए और क्या किया, स्क्रॉल अमाउंट क्या कर दिया, 80 कर, 100 कर दे, चलिए 100 कर, और क्या कर दिया, 100 नहीं हुआ क्या, हंड्रेड नहीं हुआ गया, अच्छा ठीक अच्छा ठीक हो गया, ओके हो गया, ओके ज्यादा ज्यादा तेज हो गया यार, तेज हो गया यार, ऊपर वाला जाकर स्लाइड होकर रुक जाएगा ना, इसलिए स्लाइड रुक होकर रुक गया, गया ना, इसलिए रुक इसलिए गया, इसको भी स्लाइड हटा के इसको इसको भी भी क्या कर स्लाइड लिया, हटा के इसको भी क्या कर इसको लिया, भी सेम यही इसको भी मैंने सेम क्या यही मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ लगे क्या कर कर दिया, लिया, और यहाँ लगे क्या कर दिया, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर कंट्रोल दिया, यस कर दिया, अब कंट्रोल यस देखिए कर दिया, अब देखिए गायत्री वाला इंस्टीट्यूट जो ऊपर गायत्री लगा हुआ है इंस्टीट्यूट वही तो सेम ऊपर लगा हुआ है, वही सेम टॉपिक इस की कंटिन्यू टॉपिक की कंटिन्यू करें, करें, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ नियर रेलवे स्टेशन पटोना, नियर इसको रेलवे भी क्या स्टेशन करिए, पटना, इसको भी क्या करिए, क्या करिए,
क्या कर दिया अल्टरनेट ही कर दिया जाए अल्टरनेट ही कर दिया जाए और अमाउंट जो है उसका अमाउंट जो है उसका क्या क्या कर दिया जाए, कर दिया जाए 20 कर दिया। ट्वेंटी ओके किसी स्पीड फास्ट शुरू कर लीजिएगा स्पीड फास्ट शुरू कर संदर्भ में, लीजिएगा संदर्भ में ठीक है। ठीक अब बोल्ड होल्ड करना है। होगा वो पे लोड जो भी करना है, वो होगा फिर जो भी तरीका तो है मैंने बताया था तरीका तो मैंने बताया था। कि इससे पहले क्या कर लेंगे, क्या इससे पहले क्या कर लेंगे, क्या हुआ हुआ अब अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, बी यहाँ पे क्या कर लेंगे, टैग का यूज कर लेंगे। टी टैग का यूज कर लेंगे। कंट्रोल एक्स कर लिया लेफ्ट कर लिया और यहाँ लगे पेस्ट कर लिया। और पेस्ट कर देख रहे ना, जिसको जिसको ना, बोल्ड करेंगे वो हो जाएगा। जिसको बोल्ड कर करेंगे लेंगे हो आप लोग, जाएगा। फोटो खींचना है तो फोटो फोटो खींच खींच लीजिए, लीजिए, लिखना है फोटो तो खींच लिख लें। लीजिए, कर लिखना है लेंगे तो ना लिख आप लें। लोग, पढ़ लेंगे ना आप सेम वही लोग, पैटर्न है। सेम वही तो पैटर्न आज है। के लिए इतना ही, थैंक यू आज क्लास। के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।